यहाँ पूछ रहा था से बोलो से हम तू नेपाल में घुसा है 150 आदमी से तो हमको पकड़ लिया है, हम गोली चलाया है तो उसको लाग गया है, ये तू बोल दो सही तो तुमको मार नहीं लगेगा, नहीं इतना बोलेगा तो तुमको मार लगते रह जाएगा। मैं बोला से सर आप जितना मर्जी है उतना मार लो, मगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे से हमको नेपाल का पुलिस इंडिया में घुस करके बंदूक के कुने से मार करके गिरा करके जूते से बूट से मार करके हिसिया करके हमको नेपाल में ले गया है। बोल रहा था कि आप झूठ बोलिए कि आप गोली चलाए थे जिसे मैंने इंडियन मरा है। वो बोला से झूठ बोलो, मैं बोला झूठ नहीं बोलेगा, हमको जान भी चला जाएगा तो नहीं बोलेगा। घटना जब अथी यहाँ का लड़की अपने मम्मी से मिलने आई थी, यही पे भेंट कर रहा था, उसका जेठ जिसका पत्नी था ना उसका जेठ भाई भी यहाँ पर था, तो वो बोला कि 2 मिनट और बात करने दीजिए, तो इसीलिए नेपाली पुलिस 2 डंडा उसको मार दिए, तो उसका पापा वहाँ पर देख रहा था। तो विरोध किया कि आप क्यों मार रहे हैं? हाँ वही। तो फिर क्या हुआ, पुलिस नेपाली पुलिस क्या की? तो इसका पापा को भी मारा, फायरिंग उरिंग किया यहीं पे, तो सब लोग भाग गए, तो लगन राय को वहाँ से घींच कर लाए, वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे 10-12 लड़के, तो उसको नहीं देखा गया कि आदमी को ले जा रहा है, तो वही बचाने के गए ना, तो उसमें फायरिंग हो गया, तो उसी में एक का 4 लोगों का जाती गोली लगा, तो एक का जान चल गया, 3 घायल हो गए।